प्रयागराज से बड़ी खबर बता दें, रंगदारी न देने पर युवक को पीट पीट कर किया लहूलुहान। युवक 15 दिन से लड़ रहा जिंदगी और मौत की जंग। दबंग पीड़ित परिवार को सुलह समझौता की दे रहे धमकी। मुंडा चौकी इंचार्ज की जांच को लेकर लापरवाही का पीड़ित परिवार ने लगाया आरोप। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद अभी तक नहीं हुई एक भी गिरफ्तारी। जांच के नाम पर चौकी इंचार्ज कर रहे खानापूर्ति। न्याय की गुहार लगाता, परिवार हुआ भावुक। यहाँ घटना थाना करचना के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा धरवारा की है, जहाँ अनुज नाम का एक युवक गेहूं पिसाने चक्की पर रख कर घर के लिए लौटा ही था कि उमेश मिश्रा और मोहन मिश्रा सहित कुछ दबंगों ने अनुज से रंगदारी मांगने लगे। जब अनुज ने रंगदारी देने से मना किया तो उन युवकों ने अनुज को मारना पीटना शुरू कर दिया। जब अनुज बेहोश हो गया तो सभी लोग भाग गए, जिसकी सूचना घर वालों को मिली। आनन फानन में घर वालों ने मौके पर पहुंचकर अनुज को भुंडा चौकी लेकर गए, जहां चौकी इंचार्ज से संपर्क करना होने के कारण वह तत्काल करचना थाने गए, जहां से उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करचना के लिए भेजा गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करचना के लिए भेजने पर स्थिति गंभीर देखते हुए सीएससी करचना ने कालवन के लिए रेफर कर दिया, जहां स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्होंने तत्काल स्वरूप रानी हॉस्पिटल के लिए रेफर किया। अनुज की चोट की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करके इलाज प्रारंभ हुआ और पीड़ित 15 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा। उसके बाद उसके हालत में धीरे धीरे सुधार हुआ। इलाज के दौरान पीड़ित परिवार के घर पर सुलह समझौता का धमकी दे रहे थे। सोचने वाली बात तो यह है कि इसमें चौकी इंचार्ज सहित अधिकारियों का गोलमोल रवैया सामने आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि परिवार को न्याय कब मिलेगा। आपके साथ किस प्रकार की घटना घटी है? मैं स्कूल से आटा लेके अपने घर आ रहा था। उमेश मिश्रा राजा नाम और दूसरा जयप्रकाश मोहन मिश्रा, जयप्रकाश तीसरा विनोद मिश्रा राजा नाम उन्होंने और जयप्रकाश मिश्रा ने सब लोगों ने हमको रोका और बोला अगर मुझे दारुआ मिलने के लिए पैसे चाहिए। मैं यहाँ का बदल रहा, मैं बोला भैया मेरे पास पैसा नहीं है, जो पैसा था खत्म हो गया। तो उन्होंने पीछे से खींच के बोला अगर तू पैसा नहीं देगा तेरी खैर नहीं। मोहन मिश्रा ने बोला उमेश अबे इसको सारे खत्म कर दे, बहुत अकड़ता है ठीक। और चारों लोगों ने मुझे घेर के मारने लगे। मैं जब बेहोश हो गया तो लोग भाग गए, मुझे पता नहीं चला। सूचना दिया गया पुलिस वालों को, सूचना दिया गया और घर वालों ने मुझे करचना से उठा करके ले गए हॉस्पिटल में ले गए। तो वहाँ से जो है रेफर करके कालवन भेजा। ये किस प्रकार की घटना हुई थी, आपको कैसे पता चला कि इनको चोट लगी है, मारपीट हुई है? लगभग करीब 10 बजे का ये केस है और मुझे सूचना दाता पहुँचाए खबर कि आपका भाई चोट खा गया और मैं वहाँ तक का पहुँच करके लेकर के भागा ढूंढा पुलिस चौकी के पास। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन लोगों का कोई खबर नहीं था। वहाँ से फिर तत्काल हम ले करके वहाँ करचना पहुँचे थाने में, तो उन्होंने सीएससी के लिए रिफर कर दिया। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ से सीधा कालवन के लिए रिफर कर दिया गया। तो वहाँ देखा तो उनकी हालत बहुत नाजुक थी और वहाँ से रिफर कर दिए सीएससी। उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए वहाँ से रिफर कर दिए कालवन के लिए। जब वहाँ हमने गया तो वहाँ से भी रिफर कर दिए नए हॉस्पिटल के लिए। वहाँ जब स्वरूप रानी हॉस्पिटल के लिए जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ इनका एडमिट कर लिया गया। उसके बाद फिर इनका सीटी स्कैन हुआ, वहाँ फिर भर्ती कर लिया गया। उन्होंने वहाँ पर 15 दिन के लिए इनको भर्ती किए। उसके बाद इनका ऑपरेशन किया गया और 15 सांसें। और वहाँ फिर इनको फोन की भी व्यवस्था करनी थी, दो बोतल फोन भी इनको कहा। उसके बाद फिर 17वें दिन उनको निकाला गया वहाँ। तो वहाँ पर हम थे, उसके बाद हमारे घर से फोन आया, घर वालों ने बताया कि हम कह रहे हैं कि सुलह हो जाए नहीं तो जान से मार डालेंगे, धमकियाँ दे रहे हैं बार बार। मैं पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहा हूँ,
कि इतने दिन हो गया, बताइए कोई उन लोगों का कोई खबर नहीं ले रहे हैं, बताइए। जांच के लिए पुलिस विभाग के द्वारा आपको कुछ बोला गया? के लिए वहां से बोला गया तो विनीत यादव यहां पर आए थे, तो उनसे। ये विनीत यादव कौन है? विनीत यादव हैं हमारे पुलिस चौकी के इंचार्ज, इनसे बात हुई तो इन लोगों ने कहा कि हमारे पास कोई सूचना अभी तक दिए नहीं थे और अब मुझे मिला है तो मैं इसके लिए कार्रवाई करूंगा। और 17 दिन बीत जाने के बाद इतनी नाजुक स्थिति थी कि कोई भी पुलिस वाले हमारे पास संपर्क नहीं थे। मतलब 17 दिन के बाद हो गया, लेकिन जांच के नाम पे केवल आपसे बोला जा रहा है कि जांच होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कर रहे थे। आप क्या चाहते हैं पुलिस वालों से? हम पुलिस वालों से यही चाह रहे हैं कि मुलजिम जितनी जल्दी हो वहां से पकड़ा जाए। ये घटना हमारे ऊपर फिर भी पड़ सकती है घर वालों के। आप अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम दिनेश कुमार मिश्रा है। आप पीड़ित की कौन लगते हैं? मैं पीड़ित का भाई। चलिए ठीक, आप रोइए मत, कार्रवाई जरूर होगी, आप परेशान मत होइए, बिल्कुल कार्रवाई होगी।